नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं GST में एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, एक सर्कुलर इशू किया डिपार्टमेंट ने, सर्कुलर नंबर 57 4th September 2018 को, एंड इट वॉज रिलेटिंग टू एजेंसी रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दोस्तों, यहां पर जब से ये कानून आया है बहुत सारे सवाल आए सेक्शन 22, 23, 24 को लेकर। सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, उसमें कहा गया कि अगर कोई भी एजेंट है तो उसको सेक्शन 24 सब क्लॉज 7 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। और सेक्शन 24 ये कहता है कि भाई आपका थ्रेशोल्ड अगर 20 लाख रुपए से कम भी है, 1 रुपए की भी अगर सप्लाई करोगे तो उसमें जितने भी इंस्टांसेस लिखे हैं उसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो बहुत सारे डाउट्स रेगुलरली आते हैं हमारे पास कि भाई क्या एजेंट जो है उसकी एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगी, उसको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, ये बहुत सारे सवाल आते रहे हैं। इससे रिलेटेड एजेंसी रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए डिपार्टमेंट ने सर्कुलर नंबर 57 निकाला। अब यहां पर कुछ बेसिक बातें उन्होंने कहा भी देखिए ऐसा है, शेड्यूल 1 को याद कीजिए और सप्लाई को याद कीजिए। सप्लाई सेक्शन 7 में लिखी है। सप्लाई के दो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कंसिडरेशन होनी जरूरी है और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब इसी के साथ उन्होंने साथ साथ हमें याद दिला दिया कि शेड्यूल 1 को जरा याद कीजिए, एंट्री नंबर 3 को याद कीजिए, जहां पर लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एजेंट गुड्स को रिसीव करता है या सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो शेड्यूल 1 में जितनी भी आइटमें लिखी हैं वो ये लिखी हैं कि आप भले ही ये ट्रांजैक्शंस विदाउट कंसिडरेशन होंगी तब भी ये सप्लाई मानी जाएगी। तो एंट्री नंबर 3 में शेड्यूल 1 में लिखा है कि अगर कोई भी एजेंट गुड्स को रिसीव करता है और सप्लाई करता है या सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो जो है ट्रांजेक्शन जो है वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भी देखिए एजेंट की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द एजेंट विच इनेबल्स द एजेंट टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर विच इनेबल्स द एजेंट टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट उन्होंने कहे। उन्होंने कहा भी देखिए ऐसा है, बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो एजेंसी रिलेशनशिप का है, वेदर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लीज माइंड माय डियर फ्रेंड्स, जो ये एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 है ये सिर्फ गुड्स पर लगता है, सर्विसेज पर नहीं लगता है। अगर आप सर्विसेज के लिए एजेंसी रिलेशनशिप में है तो विदाउट कंसिडरेशन आपकी वो टैक्सेबल सप्लाई कभी नहीं बनेगी, इट हैज टू बी ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने वेदर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज इश्यूड बाय द एजेंट और नॉट, इफ इट इज इश्यूड, अगर इनवॉइस फर्दर सप्लाई के लिए एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने इश्यू कर दिया है तो देखिए शेड्यूल 1 के हिसाब से इवन विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगी, वो ट्रांजेक्शन सप्लाई हो जाएगी। अगर इनवॉइस एजेंट ने नहीं इशू किया है तो फिर वो सप्लाई शेड्यूल 1 के हिसाब से इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं बनेगी। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो ये है, देखने वाली बात ये है दोस्तों कि इनवॉइस फर्दर सप्लाई के लिए, मान लीजिए मैंने कोई एजेंट अपॉइंट कर लिया और उसने उसको कहा भी मेरे फलाने गुड्स जो है आपने बिकवाने हैं और उसने प्रोस्पेक्टिव बायर भी अरेंज कर लिया, अब इसको बेचने के लिए सप्लाई कौन करता है ये देखना जरूरी है। तो यहां पर उन्होंने चार डिफरेंट सिनेरियोज विजुलाइज किए, हम उन चारों सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि भाई कहां पर एजेंसी रिलेशनशिप है और कहां नहीं है और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कहां का है। पहला सिनेरियो उन्होंने विजुलाइज किया कि ए जो है वो बी को अपॉइंट करते हैं टू प्रोक्योर सम गुड्स फ्रॉम मार्केट। बी ने प्रोस्पेक्टिव सेलर्स आइडेंटिफाई किए और ढूंढ लिया कि भाई इस व्यक्ति से माल खरीद सकते हैं। मान लीजिए वो सी है, बी ने सी को कहा भी डायरेक्टली मटेरियल जो है तुम जो है ए को भेज दो और इनवॉइस भी ए को रेज कर दो और कमीशन जो है वो बी ले लेंगे। यहां पर बी ने गुड्स रिसीव नहीं किए ऑन बिहाफ ऑफ ए, यहां पर वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट एजेंट के तौर पर काम कर रहा है बी ऑन बिहाफ ऑफ ए, क्योंकि उसने सी को कहा कि डायरेक्टली माल जो है वो ए को भेज दो। यहां पर
बी जो है वो ए का एजेंट नहीं कहलाएगा एज पर शेड्यूल वन। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा भी देखिए यहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर आपको सेक्शन 24 सब क्लॉज 7 में नहीं जाना है। यहां पर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तभी है जब आपकी जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करती है सेक्शन 22 के अनुसार। अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, एक एक्सवाइजेड बैंकिंग कंपनी है, उसने बी को अपॉइंट किया अपने गुड्स को बेचने के लिए, जो भी गुड्स कन्फिस्केट किए उन्होंने उनको ऑक्शन करने के लिए बी को अपॉइंट किया। बी ने ऑक्शनरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, प्रोस्पेक्टिव बायर बुला लिए, हाईएस्ट बिडर आइडेंटिफाई हो गया, बिडर को माल बिक गया। इनवॉइस जो है यहां पर भी इज्यूम किया गया है कि इनवॉइस जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी ने हाईएस्ट बिडर को, सक्सेसफुल बिडर को ही किया है। बी का काम सिर्फ इतना था कि ऑक्शनरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, यहां पर वो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। अगेन शेड्यूल वन के अनुसार बी जो है वो एजेंट नहीं कहलाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंपल्सरीली सेक्शन 24 में नहीं आएगी। वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तभी आएगी जब उसकी थ्रेशोल्ड 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है सेक्शन 22 के अनुसार। तीसरा जो उन्होंने सिनेरियो विजुलाइज किया, एज्यूम किया, उन्होंने कहा भी देखिए अगेन यहां पर ऑप्शन की बात की गई है, ए ने बी को अपॉइंट किया अपनी पेंटिंग्स को ऑक्शन करने के लिए। एक पेंटर है, उसने बी को अपॉइंट किया कि भैया मेरी पेंटिंग जो है वो तुम ऑक्शन कर दो। बी ने ऑक्शनिंग अरेंज किया, प्रोस्पेक्टिव बायर्स बुलाए, बिड हुई, पेंटिंग्स बिक गई। अब यहां पर इनवॉइस जो है वो बी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ए। बी इनवॉइस करता है सक्सेसफुल बिडर्स को, पैसे लेता है सक्सेसफुल बिडर से बी, और बी फिर ए को भेजता है। यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली विजुलाइज किया भी देखिए यहां पर जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं ए के बिहाफ पे वो बी कर रहा है क्योंकि वो इनवॉइस इशू कर रहा है, तो सेक्शन 24 की जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उस पर लग जाएगी। शेड्यूल वन के हिसाब से वो एजेंट है, इवन विदाउट कंसिडरेशन अगर उसकी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वो सप्लाई मान ली जाएगी। चौथी और जो सिनेरियो उन्होंने विजुलाइज किया, उन्होंने कहा कि भाई हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज हैं एपीएमसी एक्ट है इनका, इसके अनुसार कुछ कमीशन एजेंट अपॉइंट होते हैं। एक एग्रीकल्चरिस्ट अपना प्रोड्यूस लेकर मार्केट में आया, उसने कमीशन एजेंट आइडेंटिफाई किया, कमीशन एजेंट को बोला भैया मेरा माल बिकवा दीजिए। अब कमीशन एजेंट ने मान लीजिए माल जो बिकवाया, हो सकता है इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर उसने अपने बिहाफ पे अपना इनवॉइस उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ए का माल था बेचने के लिए किया, तो जी वो शेड्यूल वन के हिसाब से वो एजेंट बन जाता है, सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर उसने डायरेक्टली ए के इनवॉइस पे माल बेचा और अपनी कमीशन एज पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के अनुसार उसकी कमीशन बनती है, वो उसने कमीशन ले ली, तो वो सिर्फ अगेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, शेड्यूल वन के हिसाब से वो एजेंट नहीं बनेगा, उसको रजिस्ट्रेशन तभी चाहिए जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा। यहां पर आपको एक बात और बताने वाली जरूरी है दोस्तों, ये तो जनरल थी लेकिन स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में नोटिफिकेशन 12/17 में एक एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सर्विसेज दी जाएंगी तो वह एग्जेम्प्ट है। तो इस कमीशन एजेंट को जो एपीएमसी एक्ट के अनुसार बनाया गया है, अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने की सर्विसेज दे रहा है तो सेक्शन 23 के अनुसार उसको रजिस्ट्रेशन कभी लेना ही नहीं है। तो अगर वो कुछ और काम करता है, मान लीजिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे बेचता है जो कि टैक्सेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दोस्तों ये चार सिनेरियोज उन्होंने आइडेंटिफाई किए दोस्तों एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में। आई होप कि इस सर्कुलर से हमारे जो कुछ डाउट्स थे वो क्लैरिफाई होंगे। आपका अगर कोई और एजेंसी रिलेशनशिप के ऊपर डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video, friends, and please do subscribe our channel. Thank you, friends.